अस्सलाम वालेकुम। आज हम मक्का के नान बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये मक्का का आटा लिया है और ये घर का ही पिसवाया हुआ है मक्का से, तो आधा किलो लिया ये हमने, तो इसे डाल लेते हैं। थोड़ा सा रोकेंगे हम इसमें से कि हम ड्राई हमें बनाने के नान बनाने के काम आए, तो इसीलिए देखिए हमने जो है तसले में डाल लिया। ऐसे ही परात में या तसले में या कुंडे में ऐसे ही होता है, उसी में ही इसको पीसते हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है लोच हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमने ये 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे और 5 से 6 हरी मिर्चें, ये हमने महीन चॉप कर लिए। इससे बहुत ही अच्छा नान बनेंगे। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, तो आधा टीस्पून हम नमक डाल देंगे। इसमें ज्यादा नमक नहीं जाता है, बस आधा टीस्पून डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। देखिए वहां पर ड्राई है तो हम ड्राई डालेंगे, केला ताजा हो तो आप ताजा डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून हमने डाल दिया पानी से। देखिए हम इसे मिला लेते हैं अच्छे से। हमने अच्छे से मिला लिया है सब चीजों को, तो ये हमने गुनगुना पानी लिया है, तो इतना गुनगुना होना चाहिए तो हाथ जो है बर्दाश्त कर ले। तो इसे हम गून लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इसे सख्त थोड़ा गूंदा जाता है, ये नरम नहीं गूंदेगा बिल्कुल, जैसे पूरी का होता है ऐसा गूंदेंगे। गून लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए इसके गूनने का तरीका जो है, ये हथेली से ऐसे इसको एक बार ही, पहले के लोग जो थे बस एक एक रोटी का जो है गूनते थे, और आजकल जो है वो सारा गून लेते हैं और फिर उसको ईचते हैं बस थोड़ा सा, ताकि इसमें लुआब पैदा हो जाए और लोच अच्छे से पके। जैसे टूट जाती है डलने के बाद तो टूटती नहीं है, तो आप जरूर ऐसे ही करके हिचे इसे। और इसमें हमने ये देखिए 1 से 1.5 गिलास पानी था हमारे पास, तो 1 गिलास के करीब ही लगा है, और 1/2 गिलास से थोड़ा ज्यादा है हमारे पास पानी बचा हुआ। तो पानी आप अपने जितना आटा लें उसके हिसाब से आप डालें। ये थोड़ा नरम सा आटा हो गया हमारा और लोच सा हो गया ये, क्योंकि हमने 2 चम्मच इसमें मैदा डाला था, उससे बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें से। तो ऐसे ही हम इसको गूंद लेते रगड़ के 5 मिनट बस इसे ऐसे करना है। ये देखिए हमारा आटा जो है गूंद के तैयार हो गया बिल्कुल, ठीक है ऐसा है ये। तो अब हम इसको पकाने की तैयारी कर लेते हैं, ज्यादा देर गूंद के नहीं रखते। तो हम इसके 5 मिनट हो गए हमारे आटे को रखे हुए, तो इसके हम पेड़े बना लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से बनाएं छोटे या बड़े, तो हम थोड़े मीडियम ही बनाएंगे। देखिए तो ये इतने बड़े साइज के हम बना लेते हैं, और बना के हम रख लेते हैं इसमें ट्रे में। बना लिए हमने, तो अब रोटी बना लेते हैं हम इसकी। को बेल लेंगे अच्छे से। ये देखिए सूखा आटा डाल के इसे हल्के हाथ से बेलें बिल्कुल, और साइज आप देख लें छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो हम नॉर्मली हमने ये बेला है, इसे उठा के आराम से हम तवे पे डाल देंगे। तवे पे हल्का सा घी लगा लेंगे हम ताकि चुपके नहीं, और इसे पराठे को हम नान को डाल देंगे इस पे तवे पे। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा नान बन के तैयार होगा, और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है मसालों की इसमें से। देखिए जब थोड़ा थोड़ा सा ये सिक, देखिए उसी तरह से पलट लेते हैं। वाओ ये देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा मक्का नान बन के तैयार हुआ है।
ये मक्का, गांव की मक्का आई हुई थी और ये यहीं पर हमने इसका आटा जो है पिसवाया है ये। ऐसे ही हम सेक लेते हैं और भी पराठे हम ऐसे ही बना लेते हैं, ये नान आप जो भी कहना चाहें इसे। तो हमने तो ये नान बनाए हैं। सब बहुत सारे लोग हैं जो सादी ही रोटी खाते हैं, तो आप बिल्कुल अलग ट्राई करिए, बहुत ही मजा आएगा। मक्का की रोटी तो सभी बना के खाते हैं, तो आप हमारे तरीके से जरूर ये नान बना के देखिए, आपको बढ़िया लगती है, बड़ों को सबको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। सरसों का साग और चने का साग नया ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया लगती है इससे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर भी करें हमारे चैनल को। देखिए हमारा जो नान है बनके तैयार हो गया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी। और ये हमने उड़द की दाल गोश्त बनाया है। आप चाहें तो खाली सिंपल दाल भी बना सकते हैं, ये उड़द है ये, तो बहुत ही